माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई एम कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा रॉय मल्ली। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है अक्टूबर फेवरेट्स। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ वो सारे प्रोडक्ट्स जो मैं पूरे अक्टूबर मंथ में यूज़ किया है एंड आई लव्ड यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है देन प्लीज़ हिट द रेड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन माई चैनल। और क्या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो देन दिस इज माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल लुक्स लाइक, सो प्लीज गो एंड डू फॉलो मी देयर। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं हमारा जो आज का मुद्दा है अक्टूबर फेवरेट्स। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करूँगी वो है दिस वन। ये ऑलरेडी मैंने अपने मिनीसो हॉल पर मैंने शेयर किया है कि मैंने ये जो मेकअप बैग है वो खरीदा है। एंड अक्टूबर मंथ, दुर्गा पूजा, नवरात्रि का मंथ है और मैं उस टाइम पे मैं अपने घर, मतलब मैं कोलकाता गई थी और ये जो बैग है ना मेरे लिए बहुत काम की चीज़ रहा है। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, मुझे कोई टेंशन नहीं होता है कि इधर उधर क्लैटर हो जाएगा मेरा स्किन केयर और मेकअप का चीज़। तो इसके अंदर मैंने अपना सारा जो कॉस्मेटिक और जो स्किन केयर आइटम है मैंने कैरी किया था एंड दिस इज़ सुपर क्यूट लुकिंग एंड दिस इज़ सुपर क्या बोलूँ मैं बहुत अच्छा होता है, ट्रैवल फ्रेंडली, सुपर ट्रैवल फ्रेंडली एक्चुअली। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट आई लव थ्रू आउट द मंथ अक्टूबर। द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस नेल पॉलिश, दिस इज़ कलरबॉर नेल पॉलिश। एक्चुअली मैंने इसका सेम दो शेड खरीदा था, दिस इज़ रोज़ गोल्ड, अनादर वन इज़ वाइट वन, पर मुझे एक्चुअली वो नहीं मिल रहा है, मैंने कहाँ पे रख दिया है तो वो वाला मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। लेकिन अक्टूबर मंथ में मैं दुर्गा पूजा के टाइम पे यही जो नेल पॉलिश है मैंने अपने नेल्स पे और अपने पैरों के नेल्स पे भी लगाया था एंड आई लव द कलर, रोज गोल्ड कलर, एब्सोल्युटली आई लव इट। और इसका लॉन्गविटी जो है बहुत अच्छा है, आप अगर नेल पॉलिश रिमूवर से अब ऐसे स्क्रब करोगे तो भी नहीं जाएगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। एंड इसका जो प्राइस है एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा है, 325, लेकिन कलरबॉर में कुछ ऑफर चल रहा था, बाय वन गेट वन 200 में, तो मैंने 200 में ये ख़रीदा है। तो या आई रियली लव दिस कलर। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस फेस वॉश। पूरा मंथ मैंने ये यूज़ किया है एंड ऑलरेडी ये हाफ से भी ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ न्यूट्रीजीना एक्ने फेस वॉश और इसका जो रिव्यू है वो मैं बहुत ही जल्द करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको जानना है कि ये फेस वॉश कैसा है एंड या आई रियली लाइक दिस फेस वॉश एंड या थ्रू आउट अक्टूबर मंथ आई यूज दिस। अगर आपने मेरा सेप्टेम्बर फेवरेट देखा होगा तो आपको शायद पता होगा कि सेंट और परफ्यूम और डियो के बारे में मैं बहुत चूजी हूँ, आई लव चेंजिंग माई डियोस। तो इस महीने आपको एक और नया डियो दिखने को मिलेगा एंड दिस इज़ क्वीन ऑफ सिडक्शन दिस डियो। एंड इसका जो स्मेल है बहुत रिफ्रेशिंग, साइट्रस काइंड ऑफ स्मेल है एंड बहुत ही रिफ्रेशिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 4-5 घंटे से ज़्यादा कोई भी डियो नहीं रहता है, तो उस हिसाब से तो ये ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग काइंड ऑफ है एंड आई रियली लाइक दिस वन। मैं रोज़ ये यूज़ करती हूँ, मैं अपने ऑफिस में जाती हूँ एंड या आई लव इट। द नेक्स्ट थिंग इज़ एब्सोल्युटली माई फेवरेट इज़ दिस मिरर। एंड ये जो मिरर है ना, मैंने अपने मिनीसो हॉल पे आपको शेयर किया था, ये जो मिरर बहुत ही काम का चीज़ है, ये बहुत ही पोर्टेबल है, आप इसको ऐसे खोल के ऐसे, मतलब आप पैक को ऐसे खोल के आप ले जा सकते हो कहीं पे भी अगर जाना हो तो ये बहुत ही काम का चीज़ है। और क्योंकि दुर्गा पूजा नवरात्रि का टाइम है और हमें मेकअप तो चाहिए और बहुत सजना भी होता है, मेकअप करना होता है, और उसके लिए ये मिरर मेरे लिए बहुत ही काम का चीज़ था एंड व्हेनेवर आई डू मेकअप आई लव दिस प्रोडक्ट। तो दिस इज़ द नेक्स्ट वन, आई लव इट। और सबसे अच्छी बात है कि ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, तो जब वो शेविंग वगैरह करते हैं तो वो ये मिरर यूज़ करते हैं एंड दिस इज़ सो क्यूट एंड बहुत ही लाइट वेट है, कितना अच्छा है ये प्रोडक्ट यार, दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई बॉट फ्रॉम मिनीसो। द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस ईयरबड्स। ये MI का है और ये कुछ ऐसा दिखता है, इसका जो ईयर
प्लग है ऐसा दिखता है. और एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस ईयरबड्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, मैं कोलकाता गई थी इस दुर्गा पूजा में और मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे तो कुछ सुनना है. यूट्यूबर जो हूँ, मुझे यूट्यूब देखना है, बहुत सारा वीडियोज़ मैं देखती हूँ, मूवी देखती हूँ, तो उसके लिए ये हेडफोन्स मेरे लिए बहुत ही काम का चीज़ होता है. एंड इसका जो साउंड क्वालिटी है बहुत अच्छा है गाइज, यू नीड टू चेक इट आउट. अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो मैं इसका जो लिंक है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट. आई रियली लव दिस हेडफोन. द नेक्स्ट आइटम इज दिस वन, दिस इज बॉडी शॉप नाइट क्रीम. और ये जो नाइट क्रीम है ये एक्चुअली टीटी बेस नाइट क्रीम है और ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है. और आपको पता है मेरा स्किन एक्ने प्रोन है, तो मैंने ये ख़रीदा था रिसेंटली एंड आई यूज्ड इट एवरी सिंगल डे. एक्चुअली इसके साथ एक मास्क भी मैंने ख़रीदा है, तो अल्टरनेटिव दो दिन ये और एक दिन मास्क यूज़ करना है. तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है पर काइंड ऑफ ओके है. तो थ्रू आउट द मंथ अक्टूबर मैंने यूज़ किया है, इसका जो स्मेल है मुझे बहुत अच्छा लगा है. और इसको यूज़ करने के बाद स्किन में एक फ्रेश एक ठंडक आती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो दिस इज़ द वन आई लव थ्रू आउट द मंथ अक्टूबर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ माई फेवरेट टी वी सीरीज़ और जो मैं देखती हूँ. और अक्टूबर मंथ में फिर से आ गया है वो टी वी सीरीज़, जैसे कि मैं एक्चुअली सुपर हीरो फैन हूँ, मुझे सुपर हीरो काइंड ऑफ सीरीज़ जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मैं फ्लैश देखती हूँ, सुपर गर्ल देखती हूँ, लेजेंड्स ऑफ टुमारो ये सब देखती हूँ. और अक्टूबर मंथ में ये सब वापस आ गया, आई एम सो हैप्पी. और इस बार का जो सीज़न है कुछ और नया तड़का लेके आया है एंड आई एम रियली लविंग दो सीरीज़. अभी हम बात करते हैं हमारा इंडियन सीरीज के बारे में. आपको शायद पता है कि कॉफ़ी विद करण इज बैक. आई एम सो एक्साइटेड कि यार कॉफ़ी विद करण फिर से आ गया. एक घंटे का, करीबन एक घंटे का ही होता है और वो जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है. बॉलीवुड गॉसिप किसको नहीं पसंद है यार. एंड या फर्स्ट जो एपिसोड था वो हिलेरियस था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा. रणवीर कपूर का एक्स गर्लफ्रेंड एंड प्रेजेंट गर्लफ्रेंड, ओ माय गॉड दैट वाज हिलेरियस. एंड या आई एब्सोल्युटली लव इट एंड दैट इज आल्सो माय वन ऑफ माय फेवरेट शो आई वॉच. आई एम श्योर कि कॉफी विद करण आप भी देखते होंगे और आपको भी बहुत पसंद है. अगर आपको पसंद है देन प्लीज डू कमेंट्स बिलो और कमेंट्स करके बताओ कि किसको आप देखना चाहते हो कॉफी विद करण में. और कुछ तड़का मसाला, कुछ गॉसिप अगर है आपके पास देन प्लीज डू कमेंट्स बिलो, आई लव टू हियर फ्रॉम यू. सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट. अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है. अगर आप देख रहे हो ये वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट एंड कीप स्माइलिंग.